devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों की डिमांड पर मैं लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन बाइक, मतलब अपनी यामाहा की तरफ से आती है FZ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो ये नई पेंट स्कीम आई है बाइक की, ग्रे कलर की, और ब्लू अलॉय व्हील मिलते हैं आपको इसमें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का है गाइस, और बैक पोर्शन गाइस काफ़ी सेक्सी है बाइक का। ये सबसे सस्ती बाइक है यामाहा की FZ, सो मतलब अफोर्डेबल भी, और गाइस काफ़ी सिंपल सी 150 cc का इंजन मिलता है, लेकिन वो वाला नहीं है जो R15 और MT मिलता है। इसका थोड़ा सा मतलब लाइट इंजन है, बहुत ज़्यादा भगाने वाली बाइक नहीं है, एकदम डेली बेसिस पर चलाने वाली टूरर है। तो कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पर आपको FZS की बैजिंग मिल जाती है, version 3.0, सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ग्रे कलर का है इसका। ये टैंक इसका कुछ इस तरीके का मिलता है आपको, काफ़ी शार्प कटा हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यामाहा का स्टिकर मिलता है, वही R15S की तरह चोरी इनकी जो है सस्ती मद्दी। स्विच क्वालिटी गाइस वही R15 MT वाले हैं। चलो इसमें थैंक गॉड कि ये ऊपर MT की तरह नीचे नहीं है। हॉर्न है, और इधर किल स्विच है, सेल्फ है, ये सब है। इस टंकी पर इसकी चाबी लगती है MT की तरह। I am Groot, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है अपना कार्बन फाइबर कराया भाई ने, बहुत ही सेक्सी लग रहा है। और पीछे भी शायद कार्बन फाइबर कराया ये, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। सीट गाइस की काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे ट्रिपलिंग में नहीं कहूँगा आप लोग करें, लेकिन एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी सीट है, मतलब FZ और MT के देखते हुए, मतलब FZ नहीं, R15 और MT के देखते हुए, क्योंकि आप लोग जानते हैं MT की सीट पीछे काफ़ी छोटी है, मतलब इसकी आधी कर लीजिए आप लोग, इतनी सी है। टैंक का गाइस काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। आगे यहाँ पर आपको विंड काटने वाले मिल जाते हैं, अपने बल्ब भी इंडिकेटर मिलते हैं इसमें भी गाइस। यामाहा का लोगो मिल जाता है, LED लाइटें हैं दोनों, और सामने से कुछ इस तरीके की है पूरा लुक गाइस। और अब आते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। सो इधर से स्टार्ट होता है बढ़िया, अपना छोटा सा है गाइस, बहुत ही बेसिक सा मीटर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ABS लाइट, इंजन लाइट, न्यूट्रल, RPM, और अपना ये मीटर और ट्रिप, बस यही सब है। इस बटन से टॉगल होता है, ये देखिए ट्रिप और अपना ओडो, बस यही है इसमें। सो कौन सुना सकते हैं आपको एक बार इसका, न्यूट्रल पर डाल के एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। साइड स्टैंड कट ऑफ है इसमें, तो अभी चलाते हुए इसका साउंड मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सो चलते हैं, चलाते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। लाइट कुछ इस तरीके आपको मिल जाती है, नीचे हैलोजन है शायद, सॉरी ये छोटी सी जो है ये हैलोजन है, बाकी दोनों LED हैं ऊपर। सो लेट्स गो। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू राइड FZS। सो एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ मैं आप लोग को एक बार। एग्जॉस्ट साउंड मिलता है गाइस आप लोगों को बाइक में। सो लेट्स गो। काफी लाइट और निम्बल बाइक है गाइस ये, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी मशीन है गाइस, और काफी रिफाइंड है, तो चल भी बढ़िया रही है। शॉकर इसके ठीक ठाक है, बहुत कुछ खास नहीं है ऑफ रोडिंग वगैरह की, थोड़ी सी साइडिंग में इस पर करता हूँ खड़ा होकर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लाइट वेट
बाइक है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो हैंडल करना इसको बहुत आसान है, मैनूवर करना इधर उधर। तो अब हम लोग आ गए थोड़ी अच्छी रोड पर, तो अब यहाँ पर थोड़ा खींचते हैं इसको, मज़ा आएगा भाई, देखते हैं जाती कितना। गियर इंडिकेटर नहीं है, मैं तो व्हीली मारने की ट्राई करते हैं, पीछे तो कोई नहीं आ रहा है, नहीं उठी भाई, रोक के उठाता हूँ। इतनी पावर नहीं है बाइक में कि व्हीली वैसे उठा पाए, अगर ताकत लगा के उठानी पड़ेगी, वो मैं करता नहीं हूँ। तो पीछे डुअल चैनल ABS नहीं मिलता, जैसे कि मैंने स्किड मारी, सिंगल ही चैनल ABS रहेगा इस बाइक में, लेकिन सही है मुझे सिंगल चैनल ABS, डुअल ज़्यादा सही लगता है, वो इतना बैक मारती है मेरी R15। अगर बारिश में आप लेके निकल गए और गलती से आपने पिछला ब्रेक दबाया तो तुरंत बैक मारता है, तो वो चीज़ से मुझे इतनी ज़्यादा इरीटेशन है, फिसलना मुझे मंजूर है, लेकिन वो जो बैक मारता है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपकी बाइक थोड़ी स्किड होती है, आप अच्छे राइडर तो आप संभाल लेंगे, लेकिन मान लीजिए आप पूरा ब्रेक दबाते हैं और उसने बैक मार दिया, गलती से आप अगला ब्रेक नहीं लगा पाए, तो आप गए पूरा 100 पे लड़ जाएंगे, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। बाकी तो गाइस सही है सब, तो इसमें सिंगल चैनल ABS है। अब यहाँ पर थोड़ी खींचते हैं बढ़िया इसको, सही रोड है ये, रेसिंग की जाती है हर गियर में, तो पहला गियर डालता हूँ मैं। लेते हैं अपना, आगे पब्लिक बहुत ज़्यादा है और ये सब चीज़ें हम लोग सेफ रोडों पर करते हैं, पब्लिक में नहीं। गियर आते हैं गाड़ी में, और जिस हिसाब की बाइक है गाइस उस हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगाने में गाइस उतना नहीं है कि हमारी 100-100 एकदम मज़े से छुए। अगर ये सोच के आप ले रहे हैं तो आपकी गलती होगी, तो उसको अवॉइड करें और एंट्री ले लें फिर। लेकिन अगर आपको आराम से चलना है, ज़्यादा भगानी वगानी नहीं है, रोज़ डेली ड्राइवर चाहिए, हल्की कम्फर्टेबल बाइक चाहिए, तो गाइस आप लोग इस पर बिना कुछ सोचे समझे जा सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के। तो सनसेट हो रहा है बहुत ही प्यारा, होप आप लोग को दिख रहा हो, आज व्यू भी बहुत ही प्यारा आ रहा है, और यही सब था गाइस इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल अगर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहता हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम यहीं कहीं हैंडल हो रहा होगा, उसको जो है फॉलो कर लें आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर। कोई सवाल, कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो मुझे बाइक से रिलेटेड कुछ भी, तो मुझे बेशक DM करिए गाइस, मैं आप लोग के सारे आंसर बताऊंगा, जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही, जो भी बाइक में मतलब लेनी है या फिर सजेशन चाहिए, वो सब मैं आपको गाइस एकदम दूँगा आपके हिसाब से, आपके लिए। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि MT सही रहेगी या FZ सही रहेगी, तो जिन बंदों को गाइस बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, आराम से चलना है सिटी में, वो FZ ले लें, और जिनको गाइस थोड़ा टचन वचन मारना है, बढ़िया बाइक चाहिए और ठीक ठाक हो, मतलब भागने में पिकअप हो और सही भी ज़्यादा भारी ना हो, फेयरिंग वगैरह ना हो, नेकेड हो, तो भाई MT बढ़िया। तो आप लोग डिसाइड कर लें आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा सही लगती है। खैर मेरी नज़र में तो गाइस FZ अपनी जगह है और MT अपनी जगह है, क्योंकि FZ गाइस काफ़ी लाइट निम्बल गाड़ी है और बहुत आराम से मतलब पावर जनरेट करती है। MT जो है आपकी थोड़ी सी एग्रेसिव गाड़ी है,
और उसके बाद उसकी पीछे की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के लिए, इसकी गाइस बहुत ही कंफर्टेबल है। तो यही सब है गाइस इन दोनों बाइकों के बारे में, थोड़ा बहुत डिफरेंस वैसे कुछ डिफरेंस वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोग नॉलेज से थोड़ा सा बता दिया। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, होप आप लोग अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कर दें मेरी वीडियो, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, गुड बाय।